तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ संग दिल ऐसे हैं जिनके दिल पे बल्कि सीने पे हल्की सी खराश तक नहीं है। मामू जान प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चला ले प्लीज। क्या करूं हाँ, जहाज की तरह उड़ाना शुरू कर दूं गाड़ी को। अरे तेजी सबको भाती है, जान इसी से जाती है। फिक्र ना करो, खाने से पहले पहुंचा दूंगा तुम्हें। वो भाईजान ताबी का ये मतलब तो नहीं था ना, आपको पता ना बेताब हो जाता ही है। हाँ निगो सही कह रही हो, तुम्हारे बेटे की बात का कभी भी कोई मतलब नहीं होता। अरे ये इश्तियाल दिला रहा है मुझे बिल्कुल अपने ददयाल पे की। ये देखो ये कैसे मुस्कुरा रहा है। मामू जान तुम्हें नाराज हो रहे और तुम बतीसिया निकाल रहे हो। अब मामा जान मैं क्या करूं, अब मेरे गुलाबी लबों पर मुस्कुराहटें आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। What should I do? पिता, तुम्हारी ये जो गाल है ना, ये भी गुलाबी हो सकते हैं अगर मैं रख के दो चपेड़े मारूं तो। हाय, वो वक्त कब आएगा जब हमारे लबों पे भी खुद-ब-खुद मुस्कुराहट आएगी? कब? शुक्र करो ऐसा नहीं होता, इसलिए लोग तुम्हें आधा पागल समझते हैं। ये खुद ब खुद मुस्कुराने लगे ना तो डिक्लेयर कर देंगे। भैया अगर आप मुनासिब समझे तो गाड़ी साइड पे लगा दे, मैं उतर जाऊं। मेरी तरफ से छलांग लगा दो यहां से। भाजी देखिए आप, तो क्या हो गया आप दोनों को, कहीं जाना महाल हो जाता। अरे भाई आराम से। अरे क्या तो चलाते रहो गाड़ी, क्या करूंगा, गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं मेरी। आवाज आ जाओ। क्या हो गया आप लोगों को, कहीं भी चले जाओ, आप लोग रास्ते में मत छुकर दे, सारा मूड खराब कर देते हैं। शादी में तो बस्सी लेके जा रहे हैं यार। चलो भाई चलो भाई, माशाल्लाह से आ गए। आए भाईजान, पापा की शेरवानी के साथ कुल्ला भी निकाल कर ले आए हो? क्या लग रहे हो तुम, कार्टून हम अन्नक हल्क? माशाल्लाह, इसलिए पहले से गाड़ी में बैठ गए थे तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो, ये अपने साथ हमारा भी मजाक उड़वाएगा और मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा रहा हूँ मैं। मामू, इस मौके पे आपका होना कितना अहम है, आप ही तो मेरे सरपरस्त है ना। क्या कह रहे हैं भैया, हजारों रुपए खर्च करती हो तुम शॉपिंग पे, इस सौदाई को एक ढंग का जोड़ा नहीं दिलवा सकते? ये कार्टून, ये क्या कहेंगे लोग? मामू गुस्सा ना करें, देखिए शादी का मौका है, शेरवानी तो जरूरी है ना। चलिए अंदर चलते हैं। भाई आपने तो पहनी नहीं, उसने पहन ली। अरे इधर तुम्हारा मसला क्या है भाई, अंदर पब्लिक मेरा इंतजार कर रही होगी, शादी वाला घर है, चलो। खामोशी से मेरे पीछे। भाईजान
करना है, पर ये क्या कर रही है? आपको तो डांस करना भी नहीं आता, बड़ी ही भोंगी लग रही है वैसे। दादा मुझे चैलेंज नहीं करो। अरे तुम्हारे भाई की शादी और नाच नाच के मैं पागल हो रहा हूँ, क्या सीन है? मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी हरकतों पे मुझे इतना गुस्सा आया, मैं भूल गई मेरे भाई की ढोलकी है। अब तुम देखो डांस कैसे किसे। चलो लड़के उठो उठो। प्यारी लग रही हो तुम आज, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा किया तुमने लाल जोड़ा पहना। पता है लोगों के अजीब रस्म और रिवाज है कि दुल्हन की माँ है तो फीका रंग पहने या मध्यम रंग, क्यों भाई? है ना? दुल्हन की माँ का दिल नहीं होता। मैं तो घबरा रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा यार पहन ही लूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू यार, तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस और ज्वेलरी कितनी तुमने एलिगेंट पहनी भी है। वैसे पता ना, मैं जरा जेवर कम ही पहनती हूँ, बस मैंने कहा बच्ची की शादी है तो थोड़ा सा तैयार तो हो जाना चाहिए। क्यों नहीं, बहुत अच्छा किया प्यारा। ताबी। ओ बेटा क्या हो गया? हेलो खुशनसीब आंटी, जिनका इतना अच्छा दामाद हो, खुशनसीब ही हुई ना। थैंक यू। वाकई दामाद तो लाखों में एक है। माशाल्लाह। दुल्हन भी चांद का टुकड़ा लग रही होगी, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपकी बेटी है। इसके कहने का मतलब ये ना कि देखो तुम इतनी यंग और इतनी स्मार्ट लगती हो ना, कौन कहेगा कि दुल्हन की माँ, सब यही कहेंगे बड़ी बहन है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बेटा, मतलब गिटार शादी में तमीज़ नहीं आपको? नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, दिल से गाओ। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा गेस्ट वगैरह को देख। प्लीज तुम चलो सर। ताबी इधर आओ ना बेटा। ये मामा के दांत देख रहे हो? इन्हीं दांतों से तुम्हें चीर फाड़ के कच्चा खा जाऊंगी अगर अब कोई बकवास की तुमने आज। हाँ मामा, अब क्या बंदा अपने दिल की बात भी ना करे। हाय बड़ी गलती की तुम्हें आज साथ लाकर अमल के साथ भेज देती, तो मैं कंट्रोल तो कर लेती। वो मुझे कभी अपने साथ नहीं लेके जाती, बिकॉज उसको पता है कि मेरी यहाँ प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। आगे आगे देखें होता है क्या। बेटा वो तो मैं नहीं देख सकूंगी, माँ हूँ ना तुम्हारी। जब भाईजान तुम्हारी इस बकवास पे तुम्हें पकड़ कर आगे पीछे देखे बगैर चित्रोल करेंगे तो। एक तो ये छितर आ जाते हैं ना बीच में, हम खराब हो जाता है सारा। पैदा ही तुम इसीलिए हुए थे। ठीठ बगैरत है, ठीठ बगैरत। सिकंदर, सिकंदर कहाँ लेके आ गई माँ जी? दिमाग कतई बना दिया इसने। और तुम क्या बना रहे थे? फिल्म? माँ जी शादी में कोई गिटार बजाता है? लेके आता है। अरे शादी में कोई गिटार लेके आता है? हाँ ये कौन बैंड वाला है? पता नहीं, बाजे वाला? हाँ लग रहा है। तुम ना इसकी बैंड बजा देना। बजा दी। हैं? खुले हम लाइन मार रहे हैं।